हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली लूना 0 पे पहुंच चुका है और लीना की वैल्यू ख़त्म हो गई है। मैंने ये वाली वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि लूना का फ्यूचर क्या होने वाला है, और मैंने अच्छे से बोल दिया था कि आप यहां से इसको बाई करने का रिस्क कभी मत लीजिए। सारे कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने ये वाले वीडियो नहीं देखा तो ये वाले वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए। और उसके बाद लूना का ये जो क्रैश आया था, वो कैसे एक प्री प्लान्ड साजिश के तहत हुआ था। सारा पूरा टाइम टू टाइम, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट, मैंने कैसे वो प्लान बनाया था, कैसे एग्जीक्यूट हुआ था, और किसने ये प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है, कौन है इसके पीछे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई है। तो ये वाली वीडियो एक बार आप जरूर चेकआउट करना। और उसके अलावा बिगनर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 लोगों को गिव अवे कर रहा हूँ, ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, फाइनली जो है डीलिस्ट होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं बात करूँ लूना के पेयर की, ये प्राइम एक्सबीटी का है। लूना यूएसडी ट्रेडिंग 12 मई को सीज कर दिया है। ये बाईबिट का है। लूना बीटीसी की ट्रेडिंग 12 मई को सीज हो चुकी है। और उसके बाद बात करें बाइनेंस की, तो बाइनेंस तो हर घंटे अपडेट दे रहा है। यहाँ पे देखिए, लूना यूएसडीटी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन लीन लिस्ट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन मई 12 रात को 9 बजे इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बाइनेंस विल एडजस्ट द टिक साइज। और यहाँ पे अभी इन्होंने हाल फिलहाल देखिए, बाइनेंस विल रिमूव एंड सीज ट्रेडिंग ऑन द फॉलोइंग स्पॉट ट्रेडिंग पेयर, बीटीसी यूएसटी, लूना यूएसटी, इथेरियम यूएसटी, ये जितने भी यूएसटी के पेयर है वो सारे डिलीट कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लूना का भी अनाउंसमेंट किया है, लूना के ट्रेडिंग भी ये लोग जो है सीज कर दिया है। ये देखिए, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स ऑन टेरा लूना टेम्परेली सस्पेंड, जितने लूना ब्लॉक चेन थे वो भी सस्पेंड कर दिए इन्होंने। बाइनेंस लिक्विड स्वैप टू क्लोज लूना लिक्विडिटी पूल्स एंड डिसेबल इट्स स्वैप फंक्शन, लिक्विडिटी भी इन्होंने यहाँ पे बंद करा दिया था बाइनेंस ने प्रोवाइड करना। तो लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो ट्रेडिंग का हो ही नहीं सकती है ना, बाई सेल कहाँ करोगे आप। ये देखिए, बाइनेंस विल सस्पेंड स्पॉट ट्रेडिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रेडर्स पेयर, लूना बीयूएसडी, यूएसटी, बीयूएसडी। और उसके बाद ये सारी अपडेट है। मतलब कुल मिला के ये है कि सारे एक्सचेंजेस ने वन बाय वन अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लूना की ट्रेडिंग जो है बंद हो गई है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या लूना का दोबारा उठने का कोई चांस है। अगर हाँ तो कैसे, उसके पीछे क्या उनका अल्टरनेटिव प्लान हो सकता है, क्या उनके पास ऑप्शंस है कि वो दोबारा यूएसटी को खड़ा करे, और यूएसटी खड़ा हो गया तो उसके बाद वो दोबारा लूना को स्टार्ट करे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव होने वाली, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लूना में इन्वेस्ट कर रखा था और पैसा 0 हो गया है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। या फिर वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या अल्टरनेट ऑप्शन है, कब आपको पैसा डालना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर यहाँ पे प्रेस कर लेना। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम जो है मैं अपडेट देता रहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे बता दिया था, अगर बीटीसी ने कल के क्लोजिंग 28,500 के ऊपर दे दी तो बीटीसी का बॉटम होगा, और 28,500 के ऊपर क्लोजिंग भी हुई है, बीटीसी ने बहुत तगड़ा जंप भी लिया है। सेम मैंने यहाँ पे बीटीसी बॉटम का जो वोटिंग भी कराया था, हालांकि 53 वोट दिए हैं, बट सबसे ज़्यादा बात करें तो 20% बॉटम का वेट कर रहे थे, जबकि बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक हो गया। सेम वोटिंग मैंने कराया था कम्युनिटी चैनल में, तो आप एक बार ज़रूर जाके यहाँ पर वोट कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे 103 लोगों ने वोट किया है, और जिसमें से 63% लोग बोल रहे हैं कि 20K इज़ द बॉटम, ठीक है। 63% लोग 20,000 का वेट कर रहा था, और एग्जैक्टली यही होता है मार्केट में ना, लोग वेट करते हैं जब अप जाने का तो मार्केट डाउन आती है, जब लोग वेट करते हैं कि मार्केट डाउन आएगी तो मार्केट वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वोटिंग कर रहा था, लोगों का सेंटीमेंट जानने के लिए मार्केट में क्या चल रहे हैं, बिकॉज मार्केट ऑल्सो बिहेव पीपल्स सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट में बिहेव करती है मार्केट, ठीक है। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले टेक्निकली वाइज हम समझेंगे कि क्या चांसेस है यहाँ पे बीटीसी के, सॉरी क्योंकि टेक्निकल वाइज अगर सेम फंडामेंटल्स पे चलेंगे तो यूएसटी का सप्लाई को रिकवर करना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है, नियर टू इम्पॉसिबल है। कैसे मैं बताता हूँ, यूएसटी की सिक्योरिटी सप्लाई है 12 बिलियन, मार्केट कैप है $7.4 बिलियन। तो रिस्टोर करने के लिए पैग को, इट मीन्स यूएसटी की वैल्यू को अगेन $1 तक पहुँचाने के लिए आपको 4.72 बिलियन ऑफ यूएसटी बर्न करने पड़ेंगे, है ना, सप्लाई कम करनी पड़ेगी। और वहाँ पे बर्न ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसको बर्न करने के लिए आपको, या फिर पैग को रिस्टोर करने के लिए आपको मिंट करने पड़ेंगे न्यू लूना टोकन। एक यूएसटी को बर्न करने के लिए आपको $1 वर्थ ऑफ लूना, मैं एक लूना की बात नहीं कर रहा हूँ, $1 वर्थ ऑफ लूना आपको मिंट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं सिंपल, सो वी कैन बर्न ऑल द एक्सेस यूएसटी ऑल एट वंस राइट नाउ एंड रिस्टोर पैग, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बर्न टू बर्न दिस 4.7 बिलियन ऑफ यूएसटी वी वुड नीड टू मिंट 4.7 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ लूना
एट द करंट प्राइस ऑफ लूना 0.03, यह उस टाइम था जब 0.03 था। ये सारी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ जब लूना का प्राइस 0.03 था। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन और भी ज़्यादा चेंज हो गई है बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा डंप हो गया। तो यहाँ पे हमें मिंट करना पड़ता 156 बिलियन लूना, और इन दिस सिनेरियो द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ लूना विल इंक्रीज फ्रॉम 3.5 बिलियन से 160 बिलियन तक इंक्रीज हो सकती थी। प्राइस ऑफ लूना विल डिक्रीज टू 0.0006, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 0.0006 नहीं 406 तक पहुँच चुका है। नाउ यू कुड इन थ्योरी बिगेन टू स्लोली बर्न डाउन दैट 160 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ लूना। डज दिस साउंड इम्पॉसिबल एंड लाइक ए टेरिबल इन्वेस्टमेंट? इट शुड साउंड इम्पॉसिबल एंड लाइक ए टेरिबल। द सिनेरियो डिस्क्राइब्ड अबव इज मेड अप फैंटेसी एंड इट इज नॉट पॉसिबल। ये सिनेरियो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? What's really going to happen is actually infinity rows, मतलब बहुत ज़्यादा rows हो चुका है। सबसे पहली प्रॉब्लम, you can't burn all 4.6 billion USD at once because you can't mint 156 billion Luna एक बार में आप burn नहीं कर सकते हो। There is limit on how much Luna can be minted in a one day, यहाँ पे limit भी है उसकी। तो right now they are voting to increase the limit, limit increase करने के लिए voting कर रहे हैं। अब अगर वो वहाँ पे जो है लिमिट इंक्रीज कर भी देंगे तो वहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम्स क्या आएगी? एज यू मिंट लूना द प्राइस ऑफ लूना गोज डाउन। डेफिनेटली प्राइस, आप जितना ज़्यादा मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइस डाउन जाना ही है ना। विच मीन्स टू बर्न मोर यूएसटी यू नीड टू मिंट इवन मोर लूना अंटिल यू डिसेंड इनटू वेरियस फीडबैक लूप ऑल आउट लूना मिंटिंग मैडनेस। ठीक है, आप कितना भी मिंट कर लो बट जितना मिंट करोगे वैल्यू उतनी डाउन जाएगी, वैल्यू जितनी डाउन जाएगी उतने ही ज़्यादा बिलियन डॉलर के आपको लूना ज़्यादा बर्न करने पड़ेंगे, तभी आप रिस्टोर कर पाओगे यूएसटी की वैल्यू। ठीक है, राइट नाउ यू कैन बर्न $1 बिलियन यूएसटी बाय मिंटिंग 33 बिलियन लूना। ठीक है, अभी के हिसाब से जब ये मैं इस टाइम जब ये था सिचुएशन, तो $1 बिलियन यूएसटी को आपको बर्न करने के लिए आपको 33 बिलियन लूना मिंट करना पड़ेगा। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ लूना गोज फ्रॉम 3.5 से लेकर 38.5 बिलियन हो जाएगा। प्राइस ऑफ लूना इज नाउ, प्राइस डाउन आ जाएगा, 0.03 था वहाँ पे 0.0027 आ जाएगा। देन अगेन $1 बिलियन का यूएसटी के लिए आपको वहाँ पे 33 बिलियन की जगह पर 370 बिलियन लूना मिंट करना पड़ेगा बिकॉज प्राइस डाउन आ गया लूना का। ठीक है, उसके बाद $1 बिलियन यूएसटी के लिए आपको 33 बिलियन लूना मिंट करना है, उसके बाद अगले 1 बिलियन के लिए आपको 370 बिलियन लूना मिंट करना है, और उसके बाद अगले $1 बिलियन यूएसटी के लिए आपको ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लूना को मिंट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है। तो अब उनके पास ऑप्शन क्या है? द पॉइंट इज लूना कांट रिकवर अनलेस दे जस्ट डिसाइड टू फंडामेंटली चेंज हाउ द प्रोटोकॉल वर्क्स। जो भी जिस भी फंडामेंटल पे इसका प्रोटोकॉल वर्क करता है, अगर वो उसको चेंज नहीं करते हैं तो लूना का रिकवरी नियर टू इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, विच वुड रिजल्ट इन डो कॉन, जो इनका CEO है, एंड एवरीबडी एल्स ऑन द प्रोजेक्ट बींग इंस्टेंटली इंडिकेटेड फॉर फ्रॉड। दे आर नॉट गोना गो टू प्रेजेंट टू सेव योर बैग्स, लूना इज गोइंग टू $0 यू आर वॉन्ड। तो ये सारे टेक्निकल चीज़ें बताइए, अगर आपको नहीं समझ में नहीं आया तो ये सारे जो है ये पोस्ट मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में आके आप मुझे पूछ सकते हैं और आप अच्छे से अपने स्टडी कर सकते हो कैसे इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉसिबल के लिए एक तो यहाँ पे अपने प्रोटोकॉल्स में फंडामेंटली चेंज करें ये लोग, है ना। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है लूना होल्डर्स के लिए, जैम एक होल्डिंग कुड बी टेरा वाइट नाइट, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, लीडिंग एसेट मैनेजर है जैम होल्डिंग एजी इज प्लीज टू अनाउंस दैट इट इज नेगोशिएटिंग विद टेराफॉर्म लैब्स टू हेल्प सपोर्ट इट्स लूना स्टेबल क्वाइन। जैम इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट बिटवीन $2 बिलियन एंड $3 बिलियन टू एब्जॉर्ब एक्सेस सप्लाई ऑफ USD ड्यूरिंग इट्स करंट सेल ऑफ। यहाँ पे क्या करेंगे लोग, $2-3 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे और USD को ये लोग बाई कर लेंगे, और जो उनकी जो एक्सेस सप्लाई है USD की वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे ये लोग। ठीक है, इससे क्या होगा कि USD के जो प्राइस अगेन रीपैग होके $1 तक पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा होता है USD अगर पैग होके $1 तक पहुंच जाता है तो फिर चांसेस है कि लूना भी वहां से रिकवर होना स्टार्ट हो जाए और कुछ नया फंडामेंटल्स ये लोग चेंज करें। ठीक है, और जैम की अगर बात करूं तो जैम बहुत बड़ा, जैम इज ए लीडिंग इंडिपेंडेंट प्योर प्ले एसेट मैनेजर, द कंपनी प्रोवाइड्स एक्टिव इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन एंड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशन फाइनेंस इंटरमीडिएट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टर थ्रू 3 बिजनेसेज, इन्वेस्ट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट सर्विस एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस है। जैम के एम्प्लॉय 605 FTEs इन 14 कंट्रीज विद इन्वेस्टमेंट सेंटर्स इन लंदन, कैम्ब्रिज, ज्यूरिच, हांगकांग, न्यूयॉर्क, मिलन एंड लुगानो एज ऑन 31 दिसंबर 2000 की। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, अगर इनकी कंपनी की नेट वैल्यू की बात करें तो $103 बिलियन की इनकी वैल्यू थी एज ऑन 31 मार्च 2022। तो इनके लिए $2-3 बिलियन इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये लोग चाहे तो कर सकते हैं, बट नेगोशिएटिंग चल रही है अभी टेरा के साथ में। अगर यहाँ पे
डील फाइनल होती है, अगर ये डील कंफर्म हो गई तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, मे बी यहाँ पे दोबारा चीज़ें रिकवर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी लूना के बारे में, लूना का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है और कैसे वहाँ पे लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और लूना की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मार्केट के अपडेट्स लूना की सारी जो है टाइम टू टाइम अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कुछ भी डाउट होता है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।